एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल पाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना खुद का चैनल लोगो बना सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पिक्स आर्ट ओपन कर लेना है, उसके बाद जाना है हमें ड्रॉ वाले ऑप्शन में। ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें ब्लैक वाला या वाइट वाला हम बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। वाइट वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है हमने, और एडिट इमेज में जाना है। उसके बाद हमें जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको अपनी चैनल के लिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को टाइप करना है। तो हमने अल्फ़ाबेट्स टाइप कर लिए, ओके कर देना है। इसके बाद हमें कलर को चूज़ कर लेना है, हम यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद फॉन्ट भी चूज़ कर लीजिए आपको जो पसंद हो। तो ये हम यहाँ पे फॉन्ट को भी चूज़ कर लिया है। और आगे जाना है और बैंड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा ही बैंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करने का। तो हमने ये कर दिया है, इसको ओके कर देते हैं। फिर से जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ जाके आपको अपना जो चैनल का नाम है वो टाइप कर देना है, फुल नेम। तो हम यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसका भी हमें कलर चूज़ कर लेना है, आपको जो भी कलर पसंद हो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेट भी कर दिया है। आप अपना मनपसंद कलर यहाँ पे चूज़ कर देते हैं, कर सकते हैं। ग्रेडियंट में आप अपनी चैनल के मुताबिक आप डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें कर देना है फिर से, और फिर जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। मेरे चैनल का नाम टेक्निकल पाई है, तो मैं यहाँ पे अपना दूसरा जो वर्ड है वो लिख देता हूँ, उसको भी कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए, तो मैं रेड कलर को चूज़ कर लिया है, और इसको भी हम छोटा कर देते हैं। फॉन्ट यहाँ पे आपको जो पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको छोटा कर देते हैं और सेट कर देते हैं। आप पिक्सआर्ट में अपनी मनपसंद लोगो बना सकते हैं। तो हम टेक्निकल पाई ऐसा लिख दिया है। फिर हम जाएंगे ऐड फ़ोटो में। ऐड फ़ोटो में जाके यहाँ पे मैंने एक इमेज सिलेक्ट की है, उसको सिलेक्ट कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये इमेज नीचे लिखे गए वर्ड्स पे ना आए, सिर्फ ऊपर वाले वर्ड पे आए। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं पहले, और यहाँ पे जाना है ब्लेंड वाले ऑप्शन में। ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाके स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद हमें जैसा भी हो वैसा सेट करना होगा यहाँ पे। तो हम सेट कर देते हैं। तो हमने ये सेट कर दिया है, इसको ओके कर देते हैं। ये हो जाने के बाद हम अब जाएंगे टूल्स में जाके हमें शेप क्रॉप में जाना है। शेप क्रॉप में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्कल शेप पे क्लिक कर देंगे, और हम सर्कल की तरह इसको काट लेते हैं। इसको अभी भी छोटा करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ये हो चुका है। इसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड चूज़ करना है। इस पे बॉर्डर आप जो भी चाहे वो लगा सकते हैं। तो हम रेड वाला लगाएंगे और सेव कर देंगे। ये माय स्टिकर में सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे जाना है और ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है।
ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाके अब हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आगे जाना है और इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉप आर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप जो भी चाहे वो पॉप आर्ट लगा सकते हैं। आर्ट स्टिक पे आपको क्लिक करना है, आपको जो चाहे वो यहाँ पे आर्ट मिल जाता है। तो हमने लोगो बना लिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है लोगो, इसको भी ओके कर देते हैं। तो ये हमारा लोगो बन चुका है। अब हम आगे जाएंगे और गैलरी देखते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि ये लोगो बनाना बहुत आसान है, ये सिर्फ इस लोगो के लिए ही टेक्निक है। मैं आगे आपको और दूसरे लोगो बनाने की टेक्निक आपको समझाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़